सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और साथ में घंटी दबाना ना भूलें ताकि नई अपडेट होने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, झटका मशीन जो है वो टैप की तरह और अदर इंस्ट्रूमेंट की तरह ऐसा नहीं होता है कि 3-4 घंटे चला लिया और बाद में बंद कर दिया। झटका मशीन ऐसी चीज है कि इसको 24 घंटा इसको यूज करना पड़ता है। तो होता है कि इसकी जो मॉस्फेट होती है, आईसी होती है, वो हीटिंग होती है, तो होने की वजह से खराब होने का चांस रहता है। तो झटका मशीन में हम जो मॉस्फेट आईसी वगैरह जो यूज करते हैं उसके पीछे हम ऐसे हीट सिंक यूज करते हैं। तो ये हीट सिंक यूज क्यों करते हैं हम, कि जो आईसी गर्म होती है उसको ठंडा करने का ये काम करता है। इसमें ज़्यादातर एल्यूमिनियम का ही मटेरियल यूज होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो मटेरियल है वो फटाफट इसकी जो हीटिंग है उसको रिमूव कर देता है, कम कर देता है। तो ये जो हीट सिंक है इसको कैसे यूज करते हैं आईसी के साथ, वो मैं आपको बताता हूँ, ताकि हमारे झटका मशीन में जो आईसी है वो बराबर ठंडी और बराबर मशीन काम करे। तो ये जो हीट सिंक है उसको आईसी के साथ ऐसे लगाते हैं कि कोई भी आईसी होती है उसको यहाँ पे हम फिट करते हैं। तो इसको फिट करने से पहले ऐसा बाजार में आपको मिल जाएगा हीट सिंक कंपाउंड। तो हीट सिंक का कंपाउंड आप अगर यूज करते हैं तो इसकी जो हीटिंग है वो हीटिंग फटाफट हवामान में फैल जाती है और आईसी को ठंडा रखने का काम करती है। तो ये जो आईसी हीट सिंक है उसके पीछे ऐसा ट्यूब जैसा होता है, इसको ऐसे लगा के इसके ऊपर इसको फिट करते हैं, ताकि ये हीट सिंक है वो फटाफट आईसी का टेम्परेचर कम कर दे। और ये जो हीट सिंक कंपाउंड है इसका मेन एडवांटेज क्या है कि इसको हीट सिंक के ऊपर लगाने से आईसी को ठंडा रखती है, लेकिन ये गीली ही रहती है और जो आईसी है हमारी वो हीट सिंक के कांटेक्ट में आने की वजह से आईसी को ठंडा रखने का काम करती है। तो झटका मशीन में हम जो भी आईसी और मॉस्फेट जो यूज करते हैं उसके पीछे हीट सिंक जो लगी होती है उसमें आप ये एनाबोन हीट सिंक कंपाउंड लगाना ना भूलिए, ताकि हीटिंग का प्रॉब्लम है वो हम कम से कम घटा सके। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।